नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ राहुल गोयल। छत्तीसगढ़ में सिर्फ 2 दिन बाकी है सत्ता के पहले चरण के मैच में। 20 सीटों पर मुकाबले के लिए खिलाड़ी तैयार हैं, मैदान में डटे हैं, लेकिन जंग बहुत भारी है, इसलिए मुद्दों का शोर भी बहुत हावी है। दावों के साथ साथ वादों का दम है और संग्राम भीषण है। 2024 के पहले इस सेमीफाइनल मैच के लिए पॉलिटिक्स का पावर प्ले शुरू हो चुका है। देखिए, चर्चा सब तरफ क्रिकेट वर्ल्ड कप की है। लगातार मैचों में रोमांच बना हुआ है और लोग अपने टीवी सेट से सटे हुए या फिर जहां भी क्रिकेट को देख पा रहे हैं, क्रिकेट मैचेस को देख पा रहे हैं, देख रहे हैं। टीम इंडिया टॉप पर है, लेकिन 7 तारीख को सियासत के मैदान में एक ऐसा मुकाबला होने वाला है जो कई मामलों में क्रिकेट के बड़े बड़े मैचों से भी ज्यादा रोमांचक है, एक्साइटिंग है, क्योंकि 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 20 सीटों के लिए वोटिंग होगी। इसे आप छत्तीसगढ़ की राजनीति का 2020 भी कह सकते हैं, क्योंकि जिसने इन 20 पर बाजी मार ली, दूसरे राउंड में बेहतर रन रेट के साथ वो प्रवेश करेगा। लेकिन फिलहाल छत्तीसगढ़ के इस सियासी पॉइंट टेबल में कौन कहां है, वो आप इस ग्राफिक के जरिए समझिए। देखिए, ये छत्तीसगढ़ की विधानसभा को हमने इसमें दर्शाने की कोशिश की है और इसमें जो मौजूदा स्थिति है वो आप देख लीजिए। 90 सीटें हैं टोटल, इसमें से INC यानी कि कांग्रेस के पास है 71 सीटें, BJP के पास है 13 सीटें और JCCJ के पास 3 और BSP के पास है 2 सीटें। 1 सीट फिलहाल खाली है, लेकिन बड़ी बात यह है कि पहले चरण में दुर्ग और बस्तर की जिन 20 सीटों पर वोटिंग होनी है उसमें से 19 कांग्रेस के पास है। जी हां, 19 कांग्रेस के पास है और बीजेपी के खाते में है सिर्फ 1 सीट। और इस सीट से पिछली बार जीते थे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा माने जाने वाले रमन सिंह, जिनकी तस्वीर आप देख सकते हैं, हमने यहां पर लगाई है आपको समझाने के लिए कि कौन से बड़े खिलाड़ी इस 2020 के मैदान में हैं और जो पहले चरण में बाजी मारेगा वो दूसरे चरण में बेहतर रन रेट के साथ एंटर करेगा। कांग्रेस को लगता है कि 20 सीटों का ये मैच पुराने और नए खिलाड़ियों के कॉम्बिनेशन के साथ वो आसानी से जीत जाएगी, तो बीजेपी को इस बात का भरोसा है कि एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर और पार्टी की शानदार रणनीति इस बार मैच पलट कर रहेगी। छत्तीसगढ़, 23 साल का वो जवान प्रदेश जो 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर देश के नक्शे पर अस्तित्व में आया। जिसकी पहचान उसकी आदिवासी संस्कृति से है, जल से है, जंगल से है और उपजाऊ जमीन से है। प्रभु श्री राम का ननिहाल और वनवास के समय उनके पद चिन्हों का साक्षी ये है छत्तीसगढ़ की विरासत। साथ ही अजब है इसकी सियासत, वो सियासत जो लेकिन 2018 में छत्तीसगढ़ उस दौर से गुजरा जिसमें बदलाव की ऐसी बयार बही कि बीजेपी अर्श से फर्श पर पहुंच गई और कांग्रेस ने सत्ता की बुलंदियों पर सफलता का परचम लहरा दिया। साथ ही छत्तीसगढ़ को कांग्रेस के गढ़ के रूप में स्थापित कर दिया। अब 23 का रण है, जंग भीषण है और जीत का प्रण है। बीजेपी के सामने सरकार बनाने की चुनौती है तो कांग्रेस के पास सरकार बचाने की। अब देखना यह है कि 3 दिसंबर को किसे कितने नंबर मिलेंगे।
हाथ को जनता का साथ मिलेगा या छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कमल खिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो छत्तीसगढ़ की सियासत की विरासत क्या कहती है ये आपने समझ लिया, लेकिन अब आपको पहले चरण की 20 सीटों यानी राजनीति के 2020 का टीम फॉर्मेशन भी समझ लेना चाहिए ताकि आप समझ पाए कि किस खिलाड़ी की टक्कर आखिर किससे है। और ये बहुत दिलचस्प आंकड़े हैं, हालांकि सियासत बोर करती है लेकिन हमने कोशिश की है कि आपको इस तरह से समझाया जाए छत्तीसगढ़ में जो चुनाव होने जा रहे हैं ताकि आपको आसानी से पूरी बात समझ आए। तो मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाता हूं। देखिए दुर्ग की ये पंडरिया सीट है जहां पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रत्याशी, भावना बोहरा बीजेपी की और नीलकंठ जो है वो कांग्रेस से वो मैदान में है। तो ये पहली टक्कर है पंडरिया में दुर्ग, भावना बोहरा, नीलकंठ। और अगर हम बात करें कवर्धा सीट की तो विजय शर्मा बीजेपी से और मोहम्मद अकबर, चार बार के विधायक रह चुके हैं, कद्दावर खिलाड़ी माने जाते हैं कांग्रेस की सियासत के, वो वहां से मैदान में है, चुनौती दे रहे हैं विजय शर्मा। अगर हम खैरागढ़ सीट की बात करें तो विक्रांत सिंह का मुकाबला होगा कांग्रेस की यशोदा वर्मा से। ये दुर्ग की वो 8 सीटें हैं जहां पर मुकाबला बहुत कड़ा है और बहुत तगड़ा है, वो हम आपको बता रहे हैं। और अगर अगली सीट आप देखेंगे तो ये खुज्जी की है जहां से भोलाराम साहू कांग्रेस की तरफ से मैदान में है और गीता साहू बीजेपी की तरफ से मैदान में है। तो ये वो प्रत्याशी है जो 8 सीटें दुर्ग की। अगली सीट है मोहल्ला मानपुर जहां पर कांग्रेस के इंद्रशाह मंडावी चुनौती दे रहे हैं बीजेपी के संजीव साहा को। तो दुर्ग की 8 सीटें हैं जिनमें पहले चरण में चुनाव होना है, वोटिंग होनी है। और अगली सीट डोंगरगढ़ है जहां पर हर्षिता स्वामी बघेल कांग्रेस की वो बीजेपी के प्रत्याशी विनोद खांडेकर को बड़ी चुनौती दे रही हैं। और अगली सीट राजनांदगांव आती है जहां से हैं डॉक्टर रमन सिंह प्रत्याशी, प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं पहले भी 3 बार, गिरीश देवांगन से उनका मुकाबला है। यही एक सीट है इस पूरे इलाके में दुर्ग में जो बीजेपी पिछली बार बचा पाई थी और रमन सिंह को इस बार चुनौती दे रहे हैं देवांगन जी। और अगली सीट अगर हम बात करें डोंगरगांव की है, दलेश्वर साहू कांग्रेस से मैदान में है और भरत लाल वर्मा भारतीय जनता पार्टी के वहां पर प्रत्याशी हैं। और इस पर हम नजर बनाकर रखेंगे, लेकिन अमित शाह इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, आपको ले चलते हैं। के लिए भारत का अभिन्न अंग बनाने का काम। अरे राहुल बाबा क्या कहते थे, राहुल बाबा कहते थे धारा 370 मत हटाइए, हटाओगे तो खून की नदियां बह जाएगी। राहुल बाबा खून की नदियां छोड़ो, एक कंकर चलाने की भी किसी की हिम्मत नहीं है। ये नरेंद्र मोदी सरकार, मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया। पहले के जमाने में पाकिस्तान से हर रोज आलिया मालिया जमालिया आते थे और बम धमाके कर चले जाते थे, कोई जवाब नहीं देता था। मोदी जी को आपने प्रधानमंत्री बनाया, पुलवामा और उरी में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमला किया, 10 ही दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का खात्मा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी ने देश का सम्मान बढ़ाया, देश के अर्थतंत्र को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर लाए हैं। G20 में सभी प्रमुख राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष मोदी जी के वखान करते नहीं थकते थे और सभी के साथ जब मोदी जी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने राजघाट पर पहुंचे, सभी भारतीयों के हृदय गर्व से फूल गए। मित्रों, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर दुनिया में पहली बार चंद्रयान बनाया, नई पार्लियामेंट बनाई, पार्लियामेंट के अंदर सेंगोल को स्थापित कर भारतीय संस्कृति का ध्वज ऊंचा किया, कर्तव्य पथ बनाया और माताओं बहनों को 33% रिजर्वेशन आरक्षण विधानसभा और लोकसभा में देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, शिवराज जी ने ये 18 साल के अंदर बंटाधार जो छोड़कर गए थे, वो बीमारू मध्य प्रदेश को बेमिसाल मध्य प्रदेश बनाने का काम किया है। युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए ढेर सारी कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ
गेहूं और चावल की खरीदी और इरिगेशन का रकबा बढ़ाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, आने वाले देशों में मध्य प्रदेश और देश दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार बनानी है। मुझे बताओ भाइयों बहनों, आने वाली 17 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाएंगे? अरे यार, जोर से बोलो, दबाओगे क्या? भाजपा सरकार बनाओगे? हमारे दोनों प्रत्याशियों को जिताओगे? 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। तो मध्य प्रदेश के श्योपुर में संबोधित कर रहे थे एक जनसभा को गृहमंत्री अमित शाह, और बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे थे, डबल इंजन की जो सरकार है उसकी उपलब्धियां गिना रहे थे। लेकिन उनके संबोधन से पहले हम आपको बता रहे थे सियासत के उस 2020 मैच के बारे में जो 7 नवंबर को होने जा रहा है, और दुर्ग और संभल माफ कीजिएगा बस्तर की 12 सीटों पर वोटिंग होनी है, यानी कि कुल मिलाकर के 20 सीटें, 8 दुर्ग की और 12 बस्तर की। हमने आपको दुर्ग की सीटों के आंकड़े दिखाए थे कि वहां पर कौन किसके सामने है, लेकिन अब आपको बस्तर की बात बताते हैं। बस्तर की विधानसभा का जो सीटों का जो गणित है वो आपको बताते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो कांकेर में बीजेपी से आशाराम नेताम, कांग्रेस से शंकर ध्रुव, और अंतागढ़ में बीजेपी से विक्रम उसेंडी, कांग्रेस के रूप सिंह पोटाई के सामने है। तो ये अंतागढ़ सीट का आप देख सकते हैं, इसमें आप विजय उसेंडी और जो रूप सिंह पोटाई है उनका मुकाबला अंतागढ़ सीट पर। भानुप्रतापपुर की बात अगर करें तो बीजेपी से गौतम उइके और कांग्रेस से सावित्री मंडावी आमने सामने हैं। केशकाल में बीजेपी से नीलकंठ टेकाम और कांग्रेस से संतराम नेताम। कोंडागांव में बीजेपी में से लता उसेंडी और कांग्रेस से मोहन मरकाम। इस सीट पर मुकाबला बहुत दिलचस्प है। लता उसेंडी रमन सिंह सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री भी रह चुकी हैं और मोहन मरकाम से उनका मुकाबला है। पिछली बार भी दोनों का मुकाबला इस सीट पर हुआ था, तब बाजी मोहन मरकाम के हाथ लगी थी, लेकिन वोटों का जो अंतर है वो बहुत ज़्यादा नहीं था। नारायणपुर की अगर बात करें तो बीजेपी से केदार कश्यप मैदान में है और कांग्रेस से चंदन कश्यप। केदार कश्यप जो है वो बीजेपी के कद्दावर नेता बलिराम कश्यप के पुत्र हैं और वो इस सीट से, नारायणपुर सीट से, इस बार अपनी ताल ठोक रहे हैं। सामने चंदन कश्यप होंगे। दंतेवाड़ा में बीजेपी से चेतराम अरामी तो कांग्रेस से छविंद्र कर्मा के बीच जो है वो मुकाबला है। और बस्तर जो एक महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है, वहां से बात करें तो बीजेपी से मनीराम कश्यप तो कांग्रेस से लखेश्वर बघेल मैदान में है। जगदलपुर में बीजेपी से किरण सिंह देव, कांग्रेस से जतिन जायसवाल। चित्रकूट जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है, वहां से बीजेपी से विनायक गोयल पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बार मैदान में है। कांग्रेस से दीपक बैज बीजा जो है वो मैदान में उतरे हैं। और इसी तरह बीजापुर सीट की अगर हम बात करें तो बीजेपी से महेश गागड़ा और कांग्रेस से विक्रम मंडावी मैदान में। ये भी एक दिलचस्प सीट है और यहां पर भी मुकाबला जो है वो बड़ा माना जा रहा है। कोंटा की बात करें तो कोंटा में बीजेपी से सोयम मुका और कांग्रेस से कवासी लखमा, जो अपने तरह तरह के बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं, इन दोनों का मुकाबला है। सोयम मुका पहली बार मैदान में है तो कांग्रेस के कवासी लखमा को हराना उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगा। तो श्योपुर में अमित शाह का तूफानी प्रचार हमने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, और अब छत्तीसगढ़ की राजनीति पर एक बार फिर से लौटते हैं। जिन 20 सीटों की हम बात कर रहे हैं इनमें से 7 सीटें ऐसी है जहां से दोनों ही पार्टियों के बड़े बड़े नाम मैदान में है। दुर्ग की राजनाथ गांव से मैदान में है प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह, वो 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये तमाम सीटों के जो हम आंकड़े आपको दे रहे थे वो तमाम महत्वपूर्ण सीटें थी जहां पर, और हम आपको ग्राफिक के जरिए, जो वीआर ग्राफिक्स हमने बनाया था उसके जरिए भी हम आपको समझा रहे थे कि कहां पर कौन मैदान में है और ये 2020 का मुकाबला जो है सियासत का ये किस तरह से इतना महत्वपूर्ण हो गया है। तो आप एक रिपोर्ट भी देख लीजिए कि वीआईपी सीटों को लेकर के ग्राउंड रियलिटी क्या कहती है।
7 नवंबर वो तारीख जब छत्तीसगढ़ में लड़ी जा रही पहले चरण की चुनावी जंग अपने अंजाम तक पहुंचेगी। वोट की चोट होगी दावों पर और चुनावी वादों पर, परखे जाएंगे नेता विकास के पैमाने पर। पहले चरण के रण में दावों पर हैं 20 विधानसभा सीटें, इनमें से 19 पर कांग्रेस का कब्जा है, लिहाजा साख पर सत्ताधारी दल की प्रतिष्ठा है। और बीजेपी के पास कुछ है तो वो है जनमत हासिल कर विजयी परचम लहराने का मौका। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में दुर्ग संभाग की 8 और बस्तर संभाग की सभी 12 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 7 नवंबर को बस्तर की जिन सीटों पर मतदान होगा उनमें शामिल है कांकेर, अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, केशकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, जगदलपुर, चित्रकूट, बीजापुर और कोंटा। वहीं दुर्ग संभाग की सीटों की बात करें तो उनमें कवर्धा, पंडरिया, राजनांदगांव, खैरागढ़, डोंगरगढ़, डोंगरगांव, मोहला मानपुर और खुज्जी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ की ये चुनावी लड़ाई वो अग्नि परीक्षा है जिसमें सवाल है सत्ता का, सिंहासन पर काबिज होने का, सियासी भविष्य का और सियासत के फाइनल मुकाबले यानी लोकसभा चुनाव की जमीन तैयार करने का। लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस को अपने दिग्गजों की याद आई है और उन्हें जीत का दारोमदार सौंपकर मैदान में उतार दिया गया है। राजनांदगांव सीट से पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह एक बार फिर चुनावी ताल ठोक रहे हैं। 3 बार सूबे के सीएम रहने के नाते रमन सिंह पर जीत की बड़ी जिम्मेदारी है। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के चलते पार्टी के प्रदेश संगठन को चुनावी टेस्ट में पास कराना भी इन्हीं के कंधों पर है। अंतागढ़ से बीजेपी ने विक्रम उसेंडी को अपना उम्मीदवार बनाया है। 1993 में अविभाजित मध्य प्रदेश में पहली बार विधायक बनने वाले विक्रम उसेंडी रमन सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। 2014 में कांकेर से सांसद रहे और 2019 में छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाली। कोंडागांव से लता उसेंडी मैदान में है। रमन सरकार के दूसरे कार्यकाल में महिला एवं बाल विकास मंत्री रही और वर्तमान में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। लिहाजा बीजेपी की जीत का बड़ा जिम्मा लता उसेंडी के पास भी है। नारायणपुर से पूर्व मंत्री केदार कश्यप पर बीजेपी ने दांव चला है। बीजेपी के दिग्गज नेता रहे बलिराम कश्यप के बेटे हैं। 2003 से 2013 तक रमन सरकार में मंत्री रहे और मौजूदा समय में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री हैं। बीजापुर से भी बीजेपी ने अपने पूर्व मंत्री महेश गागड़ा को टिकट दिया है। 2008 और 2013 में बीजापुर से विधायक रहे, साथ ही रमन सरकार में वन मंत्री का कार्यभार भी संभाल चुके हैं। कांग्रेस ने भी अपने दिग्गजों पर भरोसा जताने में कोई कमी नहीं छोड़ी और अपने प्रदेश अध्यक्ष से लेकर 3-3 मंत्रियों को फिर से चुनावी समर में उतारा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज चित्रकूट सीट से चुनावी मैदान में हैं। 2019 में बस्तर से लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने। इसके अलावा 2013 में विधायक भी चुने गए थे। कवर्धा से मोहम्मद अकबर एक बार फिर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। घोषणा समिति का अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस ने चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर डाली है। मौजूदा बघेल सरकार में वन मंत्री हैं। 4 बार के विधायक के अलावा साल 2000 में राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। कोंडागांव से बीजेपी की लता उसेंडी को टक्कर दे रहे हैं मोहन मरकाम। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं और हाल ही में बघेल सरकार में मंत्री बनाए गए थे। छत्तीसगढ़ की सियासत में अपने अलग अंदाज के लिए मशहूर कवासी लखमा भी फिर से चुनाव लड़ रहे हैं और अपनी पारंपरिक सीट कोंटा से ताल ठोक रहे हैं। कोंटा से 5 बार के विधायक कवासी लखमा वर्तमान में बघेल सरकार में आबकारी मंत्री का जिम्मा संभाल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का रण कई मायनों में खास है। पहला इसलिए कि पूर्व सीएम रमन सिंह की सीट राजनांदगांव इसी चरण में है, तो दूसरा इसलिए कि इस चरण में वो बस्तर शामिल है जो न सिर्फ सत्ता की चाबी है बल्कि सूबे में आदिवासी सियासत का केंद्र भी। साथ ही ये वही बस्तर है जिसने झीरम घाटी नक्सल हमले में प्रदेश कांग्रेस संगठन की पूरी लीडरशिप को खत्म होते हुए भी देखा और फिर उसी कांग्रेस को सत्ता का ताज भी सौंपा। अब वही बस्तर फिर तैयार है अपनी सरकार का चुनाव करने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
तो देखिए सियासत के इस 2020 मैच के लिए नेताओं ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, लेकिन छत्तीसगढ़ के इस महामुकाबले की असली अंपायर तो जनता है। जनता ने फैसला लेना है कि उसने किसे वोट डालना है। लेकिन छत्तीसगढ़ की 90 में से 36 सीटें ऐसी है जहां आदिवासी और दलित वोटर्स निर्णायक है। ये छत्तीसगढ़ की सियासत का वो 36 का आंकड़ा है जिस पर दोनों पार्टियों की नजर है। छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर 39 सीटें अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित है। इनमें से 29 यानी 29 जो सीटें हैं वो एसटीए यानी शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आरक्षित है और 10 सीटें जो है वो एससी यानी शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित है। और आर्थिक रूप से पिछड़े समाज को जरूरत होती है सरकार की ऐसी योजनाओं की जो उनके भविष्य को बेहतर बना सके। इसके लिए सभी पार्टियां चुनाव से पहले करती हैं घोषणाएं, और इस बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने जनता के लिए धुआंधार योजनाओं का ऐलान किया है। बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने अलग अलग मंचों से अब तक कई ऐलान कर डाले हैं, और वो अब हम आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि उन ऐलानों में किसने जनता से क्या वादा किया है। तो देखिए बीजेपी ने वादा किया है कि वो 3100 रुपए में 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी जो है वो करेगी। वहीं कांग्रेस का वादा है कि प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी और किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। अगला वादा बहुत बड़ा है, बीजेपी ने 5500 रुपए प्रति मानक बोरा में तेंदुपत्ता संग्रहण और 4500 रुपए तक के बोनस का संकल्प लिया है। कांग्रेस ने तेंदुपत्ता पर हर साल 4000 रुपए बोनस का वादा किया है। और अगला वादा जो है वो है आवास योजना के तहत 18 लाख घर देने का वादा पीएम आवास योजना के तहत वो बीजेपी कर रही है। तो कांग्रेस ने 17.5 लाख परिवारों को इसी तरह से छत देने का वादा अलग अलग रैलियों में किया है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में 2 साल के अंदर हर घर नल से जल पहुंचाने का वादा किया है। तो कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वो 200 यूनिट तक बिजली फ्री देगी, जैसा कि इस तरह की योजनाएं और इस तरह की गारंटीज उसने दूसरे राज्यों में दी है। साथ ही बीजेपी ने महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा की है। तो कांग्रेस ने सिलेंडर रिफिल पर 500 रुपए की सब्सिडी देने का ऐलान किया है। बीजेपी ने विवाहित महिलाओं को सालाना 12000 रुपए देने का वादा किया। तो कांग्रेस ने स्वयं सहायता समूहों और सक्षम योजना के कर्ज माफ करने का भी वादा कर लिया है। रोजगार पर दोनों दलों का घोषणा पत्र जोर देता है, जहां बीजेपी ने 2 साल में 1 लाख पदों पर भर्तियां करने का वादा किया है, तो कांग्रेस ने 700 नए ग्रामीण औद्योगिक पार्क की स्थापना करने का वादा किया है। बीजेपी ने भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को सालाना 10000 रुपए देने का ऐलान किया है। तो कांग्रेस ने वादा किया है कि भूमिहीन मजदूरों को 7000 से बढ़ाकर 10000 रुपए दिए जाएंगे। बीजेपी के संकल्प पत्र में एक और घोषणा की गई है, जिसमें कहा गया है कि प्रदेशवासियों को अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन कराए जाएंगे। वहीं कांग्रेस का कहना है कि जातिगत जनगणना जो है वो कराई जाएगी। अभी 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, अब फिर से चुनाव आया है। मुझे मालूम है यहां पर छत्तीसगढ़ की जनता परिवर्तन करने जा रही है। मैं छत्तीसगढ़ में घुमा हूं, जनता से संवाद भी किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से छत्तीसगढ़ की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि बीमारू राज्य से हमने छत्तीसगढ़ को अच्छा राज्य बनाया है, और ये अच्छे राज्य को संपूर्ण विकसित राज्य बनाने का काम हम आने वाले 5 साल के अंदर करेंगे। जो घोषणा पत्र है बिल्कुल जैसे मतलब 2003 में तो कुछ सपना दिखाए थे, 2008 में भी कुछ सपना दिखाए थे, 2013 भी उस बात किए थे, लेकिन अब ये पूरा फ्लॉप शो है। तो देखिए छत्तीसगढ़ में पहले चरण के चुनाव में अब बहुत कम समय बचा है, और आप भी पूरी जागरूकता के साथ मतदान करने अपने घरों से बाहर निकलिएगा, और वोट करने से पहले ध्यान रखिएगा किसने क्या वादे किए हैं और कौन आपके वादों पर खरा उतर सकता है। लेकिन पॉलिटिक्स के पावर प्ले में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार। छत्तीसगढ़ में नेताजी के साथ एक दिन का सफर, दिन भर रहेंगे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के साथ। कांग्रेस ने एक फिगर दिया हुआ, एक टारगेट दिया 75 बार का, आपका आकलन क्या है? स्पष्ट बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रही है। ये चुनाव अभियान में करेगा बहुत दिन बाद आए हूँ।